आई मीन ही इज सच अ नाइस एंड काइंड गाय. वो आए मेरे पास यहाँ पर शो के लिए, एक ही बारी बुलाया, एक ही बारी में उन्होंने कहा बस तू बता यार क्या करना, मैं आ रहा हूँ तेरे पास. इट्स सो नाइस एंड वार्म ऑफ हिम. और आने के बाद यहाँ पर मतलब इट्स इनक्रेडिबल द काइंड ऑफ जर्नी दैट ही हैज शेयर्ड. आई मीन आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू हिम फॉर दिस फॉर श्योर. अच्छा सॉरी, तू रुलाएगा मुझे? इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इनकी लाइफ की अपनी एक जर्नी है, तो इनका कॉल है तो आना ही था. और ऐसे भी शो बहुत अच्छा कर रहा है, इनका सेकंड सीजन है इस शो का, और बहुत लोगों के स्टार का इन्होंने इंटरव्यू भी बोलेंगे, चैट शो है जहाँ पे इन्होंने दिल की बात करवाई है सारे एक्टर्स को मैंने देखा है. तो यहाँ पे तो आना ही था, ये तो बनना ही था. क्योंकि यहाँ पे आप मैंने ऐसी ऐसी बातें की है जो मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगा, तो या ना ही किसी को मालूम होगा. तो इस शो में सबसे अच्छी बात है कि ऐसी ऐसी हम बातें शेयर की है जो लोगों को पहली बार मालूम चलेगा. और सबसे अच्छी इस शो का सबसे अच्छी बात है जो सारे यूट्यूब में आप कोई सा भी चैनल उठा के देख लो या किसी भी टीवी शो में, नेटफ्लिक्स में, अमेजोन में भी, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि इस शो में सबसे अच्छी बात है कि आप एक्टर्स वो आ रहे हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं. और आज का जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है हमारी इंडिया में, लेकिन लेकिन उनको मालूम नहीं कि दिशा नहीं मालूम है कि कहाँ पे जाना है. इस शो में सबसे अच्छी बात हिमांशु ने रखा है कि आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो लाइफ में करना क्या, क्योंकि आप कभी ना कभी ऐसे कुछ वीडियो से अपने स्टार या अपने आप जिसके फैन हो उससे बहुत कुछ सीख के चले जाते हो और आपके लाइफ का वो फंडा बन जाता है, आपका वो लाइफ में वो आप ऐड कर देते हो. तो आई थिंक शो में ऐसा कुछ आप जरूर देख के जाओगे. और मुझे लगता है सारे यूथ को तो देखना ही चाहिए जाकर, अगर आपको मोटिवेट होना अपने लाइफ में, सिर्फ एक्टर नहीं जो भी बनना चाहता है तो जरूर बन सकता है. इस शो में हिमांशु में वो ताकत है, बता नहीं सकते आपको, वो बहुत ही गहरी बात है. हाँ वो बहुत गहरी बात है, बात शो की भी नहीं है, मुझे लगता है उस बात की, उस मोमेंट की ना इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी. मतलब वो एक ऐसा लम्हा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में जो अपने आप ही आते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी से आते हैं, या हमारा क्या थॉट था उस समय उसको बयान करना, उस मुझे लगता है उस लम्हे की तौहीन करना होगा. बॉन्ड आप देखो, ये देखो हमारा बॉन्ड, हम लोगों ने बॉन्ड, हम लोगों ने साथ में डांस किया हमारे बीच में. मतलब ये ऐसा कनेक्शन है, पिछले 12-15 साल का कनेक्शन है. आई नो इतने साल हो गए, दूसरे को हम काफी सालों से जानते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं. बिकॉज सबसे अच्छी बात है कि ये जिनको डेट किया इन्होंने इतने सालों तक, उनसे शादी की, जो ऐसे लोग करते हैं ना उनकी मेरी दिमाग में, मेरे दिल में बहुत जगह, एक्स्ट्रा जगह. हाँ मैं भी हूँ ना. मुझे करण भाई ने कहा था हमारे एपिसोड में कि गुरमीत, हुसैन और हिमांशु इन लोगों के लिए तो मंदिर बनाने चाहिए, तीनों के लिए रिलेशनशिप्स के ऊपर ही, बस यही है जो डेट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा. करण भाई के लिए भी मंदिर होना चाहिए. उसका एक अलग मंदिर बनेगा. एक कोई ऐसा, वो ट्रैवल ट्रिविया बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली यो, क्योंकि हमें था कि यू नो गुरमीत इतना ट्रैवल करते हैं, इतना एक्सप्लोर करते हैं, तो देखें जरा पूछते हैं कि इनको जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा सा उनके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता. बट इट वाज वंडरफुल, आई मीन ही आंसर्ड ऑलमोस्ट आई थिंक 9 out of 12 व्हिच वाज सो नाइस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. एक्चुअली मुझे वो भी सारे पता है, मैं नाम हाँ नाम एक्चुअली रह रहा है तो इसीलिए मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं डरा हुआ था, मुझे लगा आज तो बेइज्जती होने वाली है. इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान मैंने दे दिया एक लाइफ में, ये करो वो करो, कुछ पता ही नहीं है. हम डिलीट कर देते, डोंट वरी, हम डिलीट कर देते यार. लेकिन जो हम लोग को देखने आए थे आप लोग, हमारे कैमरामैन, ये सब क्या इज्जत जाना था, जब जाऊं तो लगे क्या. आई थिंक बहुत कमाल के जवाब थे सारे के सारे ऑलमोस्ट. अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आप अपने स्टार को, अपने जिसको आप चाहते हो उसको देख सकते हो और बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हो. क्योंकि ये पहला एक शो है यूट्यूब में होगा जहाँ पे सारे स्टार अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कैसे आप मोटिवेट हो सकते हो और आप बहुत कुछ सीख सकते हो. थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू.